moments later. Hi guys and welcome back to my YouTube channel. तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि how to install the anti-theft alarm on scooters. तो ये जो anti-theft alarm है Autofy कंपनी का है, ये मैंने अपनी दुकान से खरीदा है, मतलब Amazon से खरीदा है. तो ये मुझे मिला है 650 रुपीस में. तो हमेशा fluctuations होते रहते हैं. मैंने anti-theft alarm को हर रोज़ मतलब देख रहा था मैं prices, तो हर रोज़ चेंज होते रहते हैं. और इसमें बहुत सारे अलग अलग मॉडल्स हैं, बट मतलब कीज के मॉडल चेंज हो गए, बट जो मेन बॉक्स होता है ECU, मतलब इसका जो मेन ब्रेन होता है, वो तो सेम ही होता है और उसका वायरिंग डायग्राम भी सेम होता है. अगर आप दूसरा मॉडल खरीदते हो तो सिर्फ कीज में ही चेंजेस आएगा, मतलब कीज का डिज़ाइन थोड़ा अलग रहेगा, बाकी वायरिंग पूरा सेम है. और ये जो है इंस्टॉलेशन मोटरसाइकिल्स के लिए भी सेम है और स्कूटर्स के लिए भी सेम है. और इसमें आपको मिलेगा एंटी थेफ्ट सिस्टम, जिसमें मतलब अगर आप स्कूटर को लॉक करके जाते हो और अगर ज़रा सा भी टच करते हो तो आवाज़ आने लगता है, मतलब आपके स्कूटर्स को कोई छेड़ नहीं सकता. मतलब हर किसी को पसंद नहीं होता है कि आपके कोई मोटरसाइकिल पर आके बैठे और बटन छेड़े, तो आवाज़ आने लगता है डायरेक्ट, तो वो नहीं होगा. और आपको रिमोट स्टार्ट मिलता है, रिमोट से स्टार्ट कर सकते हैं और एक कीलेस टाइप एंट्री हो जाता है अपने मतलब मोटरसाइकिल पे. और कार्स के लिए तो ऐसा एंटी थेफ्ट सिस्टम कंपनी से ही आता है, बट मोटरसाइकिल के लिए नहीं है. Autofy करके कंपनी है जो ऐसे टाइप्स के अलार्म्स बनाती है, हॉर्न्स बनाती है डिफरेंट टाइप्स के. और ये वीडियो में मैं आपको पहले बताऊंगा अनबॉक्सिंग, उसके बाद बॉक्स कंटेंट्स, मतलब क्या क्या मिला मुझे बॉक्स में, और उसके बाद मैं आपको इंस्टॉलेशन बताऊंगा और बस फाइनल कंक्लूजन. सो यार, पहले अनबॉक्सिंग से स्टार्ट कर लेते हैं. तो अभी मैं आपको पूरे बॉक्स में जो जो सामान है कंटेंट सब बता देता हूँ. सो ये Autofy करके कंपनी है, तो बॉक्स में देख सकते हो इधर लिखा है 1999 रुपीस. पता नहीं अभी 1999 रुपीस का असली में है या नहीं है, बट मेरे को तो 650 रुपीस में मिल गया था. और सबका अलग अलग प्राइजेस होता है. और ये वेंडर्स कार्ड ऑनलाइन सर्विसेज है और ये दिल्ली से आया करोल बाग. और यहाँ पे वो कंपनी का QR कोड दिया है. और ये कंपनी लाइट्स, हॉर्न, एंटी थेफ्ट, मिरर्स, ग्लव्स, ग्रिप्स और गार्ड्स बनाती है. सो या अभी खोल के बता देता हूँ आपको. सो या एज यू कैन सी बॉक्स के अंदर आपको मिलता है यूसेज इंस्ट्रक्शन ऑफ मोटर बाइसिकल एंटी थेफ्ट डिवाइस, मतलब इसमें पूरा दिया है कि एंटी थेफ्ट डिवाइस कैसे यूज करते हैं. सो या आप स्टॉप करके आप देख सकते हो कि क्या क्या लिखा हुआ है इसमें. और इसमें पूरा वायरिंग डायग्राम दिया है कि मतलब कैसा यूज़ करना है, एनोड, कैथोड, मतलब इसमें थोड़ा अलग वायरिंग डायग्राम दिया है, थोड़ा एडवांस वर्जन वाला. मैं आपको एक अलग से वायरिंग डायग्राम बना के बताऊंगा अभी थोड़ी देर में, उसके बाद अपन इंस्टॉलेशन करेंगे. तो यार एज यू कैन सी रेड एनोड पे जाता है, ऑरेंज वाला इलेक्ट्रिकल लाइन, अलग अलग सब अलग अलग दिया है, बट मैं आपको एक ईजी वे में आपको समझा दूंगा पूरा वायरिंग डायग्राम. इसमें एक थैंक यू लेटर दिया है, होप यू लाइक अवर प्रोडक्ट एंड सर्विस. और उसके बाद एक QR कोड दिया है, इसको स्कैन करने के बाद एक यूट्यूब का पेज खुलता है, बट वो वीडियो इतना काम का नहीं है, मतलब ठीक ठाक वीडियो बनाया है, इतना डीपली एक्सप्लेन नहीं किया है. सो अभी इसके साथ आपको मिलता है टू टाइप्स ऑफ रिमोट. तो ये एक रिमोट है, ये डबल क्लिक पर गाड़ी स्टार्ट होती है,
एक क्लिक पर गाड़ी अनलॉक होती है और एक क्लिक पर गाड़ी लॉक होती है। अगर आपको ऐसा दिख रहा है कि आपको अपने गाड़ी ढूंढना है तो ये दबा सकते हो, तो क्या पूरा बजर बजते रहेगा 30 सेकेंड्स तक। और ये दूसरे टाइप का की है, मतलब ये की में देख सकते हो एकदम कार के शेप में। तो यार ये की में भी सेम फंक्शन है, लॉक अनलॉक स्टार्ट और अलार्म, बट ये की मेरे को ज़्यादा अच्छा लगता है, एकदम क्यूट है ये की। और ये दोनों की जो है वाटरप्रूफ है, सो यार आपको रेनी सीजन में भी टेंशन नहीं। मैंने सेलर से कांटेक्ट किया है और उसने बोला कि हाँ ये वाटरप्रूफ है और अंदर के जो भी सामान है सब वाटरप्रूफ है। ये जो मेन कंट्रोल है, थीव गार्ड लिखा है इसमें, ये मेन है, ECU बोलते हैं इसको। और ये जो ब्लैक वायर बाहर आई है ऐसी, ये एंटीना है उसका। और ये सॉकेट पे ये जो सायरन है, एज यू कैन सी इसमें दो मतलब प्रॉन्ग्स हैं। ये सायरन ये वाले सॉकेट पे लगता है और ये वाले बड़े वाले सॉकेट पे, ये वाला लगता है ये बड़े वाले सॉकेट पे, क्योंकि मतलब इतने टाइप के वायर्स हैं, मतलब 6-7 ही वायर्स हैं। और आपको कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको पूरा वायरिंग डायग्राम एक्सप्लेन कर दूंगा। तो क्या ये अलग अलग कलर्स के वायर है तो आपको जल्दी समझ जाएगा कि मतलब कैसे इंस्टॉल करते हैं। सो यार बॉक्स के अंदर इतना ही साफ सामान था, ये मेन कंट्रोलर, ये एक्स्ट्रा वायर्स, ये अपना जो स्पीकर होता है वो जिससे मतलब आवाज़ आता है, अपने दो कीज और ये सम पेपर वर्क। सो यार अभी मैं आपको पूरा वायरिंग डायग्राम समझा देता हूँ कि कैसा करना है इसका वायरिंग। ओके सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वायरिंग डायग्राम। सो वायर्स मैं आपको बता देता हूँ, इसमें एक ब्लैक वायर है, एक रेड वायर है, एक ग्रे वायर है, दो येलो वायर है, एक ऑरेंज वायर है, एक ब्लू वायर है और एक पिंक वायर है। सो यार ये ग्रे वायर का कुछ काम नहीं है इसमें से, अभी बाकी जो वायर्स है उसका ही काम है। तो मैं सबका भी नाम लिख लेता हूँ इधर। सो यार पहले येलो वायर से स्टार्ट कर देते हैं। येलो वन, येलो टू, ऑरेंज, ब्लू, ब्लैक और ग्रे। ओके सो अभी ये सारे वायर्स है, येलो टू वायर्स है, ऑरेंज, ब्लू, पिंक, रेड, ब्लैक और ग्रे। सो यार पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये वायर्स किधर किधर आपको ज्वाइन करना है, उसके बाद मैं आपको इंस्टॉलेशन प्रोसीजर बता दूंगा। सो यार येलो वन लगेगा इंडिकेटर पे, जो अपने ब्लिंकर्स होते हैं इंडिकेटर्स उस पे लगेगा, और ये येलो टू भी इंडिकेटर्स पे लगेगा। सो यार अभी आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सा वायर कौन से इंडिकेटर में डालने का है। एक वायर आपको लेफ्ट इंडिकेटर में डालना है, लेफ्ट, और एक वायर आपको डालना है राइट इंडिकेटर पे। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, आप अगर आप येलो टू लेफ्ट इंडिकेटर में डाल दो और येलो वन, या दोनों वायर आपको इंडिकेटर्स पे डालना है, एक लेफ्ट पे डालना है एक राइट पे डालना है। अभी आते हैं ऑरेंज वायर पे। ऑरेंज वायर आपको डालना है फ्लैशर रिले पे, फ्लैशर रिले। तो मैं आपको बता दूंगा कि वो कहाँ लोकेटेड होता है। फ्लैशर रिले काम करता है फ्लैशिंग करने का काम करता है, जो इंडिकेटर्स होते हैं उसको फ्लैश करने का काम फ्लैशर रिले करता है। सो अभी ब्लू वायर जाएगा स्टार्टर वायर पे, स्टार्टर वायर। सो ये भी आपको मैं आइडिया बता दूंगा कि आपको स्टार्टर वायर कैसे लोकेट करना है। सो यार स्टार्टर वायर पे ब्लू वायर जाएगा, और अभी पिंक वायर, सो पिंक वायर जाएगा इग्निशन पे, पिंक वायर जाएगा इग्निशन पे, मतलब जो अपन इग्निशन ऑन ऑफ करते हैं। सो आप पहले वाले वीडियोस में आपको दिखाया था कि इग्निशन कैसे यूज करते हैं अपन। इग्निशन के पॉजिटिव में अपन वायर घुसाते थे पहले के बहुत सारे वीडियोस में, जैसे कि पास लाइट वीडियो, अलग अलग सब वीडियोस में इग्निशन यूज करते थे, तो उधर वो इग्निशन डालना है। सो अभी रेड अपन लगाएंगे बैटरी, बैटरी पॉजिटिव पे, और ब्लैक अपन लगाएंगे बैटरी नेगेटिव पे। सो यार बैटरी पॉजिटिव रेड और बैटरी नेगेटिव ब्लैक, वो तो कॉमन है। और ये जो ग्रे वायर है इसका कोई यूज नहीं है, सो ग्रे वायर ऐसे ही रहेगा। सो यार ये अपना पूरा वायरिंग डायग्राम, और एक बार मैं आपको समझा देता हूँ। येलो वन इंडिकेटर्स पे लेफ्ट या राइट, येलो टू इंडिकेटर्स पे लेफ्ट या राइट आपके ऊपर है, ऑरेंज वाला फ्लैशर रिले जो इंडिकेटर को फ्लैश करता है वो रिले पे, ब्लू वाला जाएगा स्टार्टर वायर पे, पिंक वाला जाएगा इग्निशन पे, और रेड वाला जाएगा पॉजिटिव बैटरी पे, और ब्लैक वाला भी जाएगा बैटरी पे नेगेटिव पे, और ग्रे वायर का कोई यूज नहीं है। सो यार इतने वायर्स ही है, सो आपको लगाना है बस। आपको मतलब
ये एक बार वायरिंग डायग्राम देख लोगे तो आपको पूरा समझ जाएगा कि वायर्स को कैसे लगाना है। सो यार इतने ही वायर्स है, ऐसा कुछ देख के घबराने की जरूरत नहीं कि हाँ ये इतने सारे वायर्स है कितना प्रॉब्लम हो जाएगा। मोस्टली मैंने पीपल को देखा है, एक लड़के को दिखाया मैंने, मतलब मेरे फ्रेंड को, तो बोला अरे इतने सारे वायर्स है बहुत वायरिंग करना पड़ेगा यार, बहुत झंझट का काम है। बट ऐसा कुछ नहीं है, बस इतने से ही वायर्स है, हो जाएगा। सो यार अभी मैं आपको इंस्टॉलेशन बता दूंगा कि ये सिस्टम को कैसे इंस्टॉल करते हैं। और एक बात, ये मतलब जो मेन कंट्रोलर है इसके पीछे और एक डबल साइडेड टेप लगता है इसके ऐसा, तो उसके बॉक्स के अंदर डबल साइडेड टेप आया नहीं है, पता नहीं सेलर ने क्यों नहीं भेजा है। तो इसके ऊपर एक अलग से एक डबल साइडेड टेप लगा सकते हैं। तो सोया मेरे पास है डबल साइडेड टेप, तो वो यूज कर लूंगा इसके जगह पे। तो ये पूरा एक स्ट्रिप आता है इधर डबल साइडेड टेप का, जैसे कि इसमें दिया है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द इंस्टॉलेशन प्रोसेस। सोया पहले मैं बता देता हूँ क्या क्या खोलना पड़ेगा। तो ऊपर का फेयरिंग खोलना पड़ेगा, ये जो डोम है वो खोलना पड़ेगा, और ये जो बूट है उसको ऊपर लेके आना पड़ेगा। तो खोलने के लिए तो ये स्क्रू निकालना पड़ेगा, ये स्क्रू इधर और ये स्क्रू इधर। फिर ये डोम खोलने के लिए ये स्क्रू इधर और ये स्क्रू इधर। तो ये डोम खुल जाएगा। और ये फेयरिंग के लिए ये स्क्रू इधर और एक स्क्रू है वो खोलना पड़ेगा, तो ये फेयरिंग खुल जाएगा। और अभी मैं ये इसके लिए बता देता हूँ, ये एक बोल्ट और ये एक बोल्ट और इधर एक बोल्ट है वो। तो यार तीनों खोल देंगे तो ये बूट भी खुल जाएगा, ये भी खुल जाएगा, फिर वो भी खुल जाएगा। सो यार पूरा खुलने के बाद मैं आपको पूरा इंस्टॉलेशन बता देता हूँ। ओके सो अभी पूरा गाड़ी खोल दिया, जैसे कि मैंने बोला था वो खोलने का, ये खोलने का और ये खोलने का। सो ये बैटरी है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये इग्निशन है, और जो भी मैं आपको मतलब कनेक्शंस बताया सब पॉजिटिव पे करने का है। ये इग्निशन का होल्डर है, उसके पॉजिटिव पे पिंक वायर डालना है, और इधर दो जो है मतलब साइड इंडिकेटर्स का, और मैं आपको बताता हूँ इसमें। ओके सो ये दो जो दिख रहा है आपको, ये वाइट वाला और ये रेड वाला, ये साइड इंडिकेटर्स का वायर है। जैसे कि आपको बताया मैंने, ये साइड इंडिकेटर्स का वायर है, और इसका पॉजिटिव मैं आपको बता दूंगा थोड़े टाइम में पॉजिटिव और नेगेटिव क्या है। और अगर आपको पता नहीं चल रहा है कि पॉजिटिव और नेगेटिव क्या है, तो आप मल्टीमीटर भी यूज़ कर सकते हो। मैंने इंस्टाग्राम स्टोरीज पे डाला था कि मैं मल्टीमीटर यूज़ कर रहा था इस चीज़ के लिए कि मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे फाइंड करते हैं। तो अगर आपने मेरे को इंस्टाग्राम पे अभी भी फॉलो नहीं किया तो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, इधर मैं आपको लिख के दे दूंगा अपना यूजर नेम, और डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक है। तो ये दो वायर होने के बाद अभी मैं आपको फ्लैशर रिले बता देता हूँ, फ्लैशर रिले किधर होता है। ओके सो अभी ये जो है, ये जो बॉक्स दिख रहा है आपको, स्टार ऐसा कुछ लिखा है, सो ये फ्लैशर रिले है। इसमें दो पिन ही होता है, और इसके पॉजिटिव में आप उनको कनेक्ट करना है ऑरेंज वायर। और अभी स्टार्टर वायर कैसे ढूंढते हैं वो बता देता हूँ। अभी अपन बूट के अंदर और स्टार्टर वायर ढूंढने के लिए, सो स्टार्टर ढूंढना बहुत ज़रूरी है। सो यहाँ से मैं आपको स्टार्टर बता देता हूँ। सो वो जो गोल सा दिख रहा है आपको, ग्रीन वायर होगा उधर और गोल सा है, वो स्टार्टर है। और उसका मतलब पूरा वायर मैंने ऐसा ढूंढ के इधर आया। इधर जो जाड़ा वायर है ये स्टार्टर का वायर है, क्योंकि तो मैं आपको निकाल के बता देता हूँ। सो ये स्टार्टर का वायर है, ये जाड़ा वायर। तो यार स्टार्टर का वायर ढूंढने के लिए स्टार्टर ढूंढो उधर, ऐसा गोल सा होता है, इंजन के ऊपर ही होता है। सो वो उसका लाइन ढूंढो, फिर ये मेरे को ये लाइन मिल गया, तो ये स्टार्टर का वायर है। और इसके पॉजिटिव में अपन को कनेक्ट करना है ब्लू कलर का वायर। ओके सो अभी ये जो मेन कंट्रोलर है वो अपन को एक जगह ढूंढना है इधर ही आगे, किधर मतलब फिट हो सकता है। तो मैंने ये जगह ढूंढा है, ये जो सीढ़िया है इधर, ये बैटरी के बाजू में सीढ़िया है, उसके इधर ऐसा लगा दूंगा डबल साइडेड टेप से। सो यार ये मेरे पास एक्स्ट्रा डबल साइडेड टेप था, इसके लिए अच्छा हुआ, वरना इसके साथ भी एक डबल साइडेड टेप आपको मिलता है। और बजर इधर इसके ऊपर, ये जो वॉल है इसके ऊपर बजर फिक्स कर देंगे। बजर के साथ तो अपन को पहले से ही डबल साइडेड टेप मिला, तो प्रॉब्लम नहीं है। ओके गाइस, सो एज यू कैन सी ये वाला मैंने फिट कर दिया है,
डबल साइडेड टेप से, और ये जो कंपनी ने दिया था ये वॉल पे स्टिक किया है, सो ये कनेक्टर इसके अंदर जाएगा। और ये जो मेन कनेक्टर है उसके लिए अपने पास पूरा वायर का सेट है। और ये जॉइंट करने से पहले पूरा वायरिंग कर देते हैं अपन। पहले अभी दो जो येलो वायर है वो अभी फिक्स कर देते हैं इंडिकेटर्स पे। ग्रीन कलर का दो इसमें वो नेगेटिव है और ब्लू कलर का जो है वो पॉजिटिव है, सो ब्लू कलर में अपन कनेक्ट करेंगे। सो कनेक्ट करने के लिए सिर्फ डायरेक्ट ऐसा घुसाना है, वो जो मैं पहले वाले वीडियोस में करता हूँ जैसे कि कनेक्टर्स में डालना रहता है। तो सेम रेड वाले के लिए भी करना है सेम। रेड वाले में रेड कलर का एक वायर है और ग्रीन कलर का वायर है, तो ग्रीन कलर का नेगेटिव है और रेड वाला पॉजिटिव है, तो रेड वाले में डालेंगे अपन और बंद कर देंगे। अभी ये पिंक वाला जो वायर है, ये पिंक वाला जो वायर है वो अभी इग्निशन के पॉजिटिव में कनेक्ट करना है। तो ये वाला पॉजिटिव है, तो मैंने बताया था मल्टीमीटर यूज करके आप पता लगा सकते हैं। तो इग्निशन वायर वही है जो चावी के इधर से आता है और डायरेक्ट दो पिन में सेपरेट हो जाता है। सो यार उसके पॉजिटिव पे अपन डालेंगे अभी। सो ऑरेंज वायर अपन को डालना है फ्लैशर रिले में, तो फ्लैशर रिले ये साइड पे, सो ये ढक्कन खोलना पड़ेगा इसका। फ्लैशर रिले का जो ब्लैक कलर का वायर है वो पॉजिटिव है, सो ब्लैक कलर के वायर में डाल देंगे। सो ऐसे ब्लैक कलर के वायर में डाल देंगे। फ्लैशर रिले का भी हो चुका है। सो अभी सिर्फ बचा है ये तीन वायर, रेड ब्लैक और ये ब्लू। सो ये ब्लू अपन को कनेक्ट करना है इस पे वो अपना स्टार्टर वायर पे, और ये जो रेड और ब्लैक है वो तो अपन को सिर्फ बैटरी पे कनेक्ट करना है। तो स्टार्टर वायर के लिए, स्टार्टर वायर थोड़ा लंबा है इसके लिए वायर अपन को एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो स्टार्टर वायर अपन एक्सटेंड करने वाले एक रेड कलर के वायर से। स्टार्टर वायर अंदर से लेके ऐसा नीचे से लेके उधर बाहर लेके जाना है। सो अभी उसके लिए मैं बाद में बताऊंगा, वो मतलब वो सिर्फ अपन को यहाँ से ऐसा खोल के सिर्फ अंदर से लेकर जाना है, वो अंदर से डाल के, वो मेरे पुराने वीडियोस में आपने देखा होगा। यहाँ पे एक लिंक दे देता हूँ मैं दूसरे वीडियोस के, तो वायर कैसे अंदर से लेके जाते हैं उसमें मैंने दिखाया है। सो यार स्टार्टर वायर पहले मैं आपको लगा के बता देता हूँ, ये एक्सटेंड किया हुआ है वायर। ओके सो स्टार्टर वायर मैं निकाल देता हूँ। सो स्टार्टर वायर में जो रेड कलर का वायर है वो पॉजिटिव है, तो रेड कलर के वायर में, रेड कलर का वायर पॉजिटिव में लगा देंगे और ब्लैक कलर का वायर नेगेटिव लगा देंगे। ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। हो गया तो एक बार चेक कर लेते हैं लॉक अनलॉक का फंक्शन। सो यार इससे लॉक होएगा, इससे अनलॉक होगा और इससे अलार्म, और इससे अनलॉक होएगा। सो यार ये डबल टैप करने पे गाड़ी स्टार्ट होगा, तो गाड़ी स्टार्ट करके मैं आपको बता दूं। गाइस सो एज यू कैन सी अभी गाड़ी स्टार्ट हो गया है। ओके गाइस सो अभी जो भी मतलब पूरा वायर है वो अच्छे से करके, मतलब ये जो वो वायर भी है वो मतलब अंदर से लेके पूरा अच्छे से पूरा सेट कर देता हूँ, उसके बाद आई विल गेट बैक टू यू। सो यार पहले पूरा मतलब वायर सेट कर देता हूँ पूरा अच्छे से। सो गाइस अभी मैं आपको फंक्शन बता देता हूँ। इससे लॉक होती है गाड़ी, इससे अनलॉक होती है, और इसको डबल टैप करने पर गाड़ी स्टार्ट होती है, और ये जो है बजर, ये बजर मतलब बजते रहेगा बजते रहेगा बजते रहेगा बजते रहेगा, वो बजर के लिए मतलब अगर आपको ढूंढना होगा गाड़ी। सो यार मैं अभी आपको इंजन स्टार्ट करके बताता हूँ डबल टैप से। ओके गाइस सो एज यू कैन सी अभी गाड़ी स्टार्ट हो चुका है, और गाड़ी स्टार्ट है अभी। सो यार बस इतना ही था इंस्टॉलेशन के ऊपर। और एज यू कैन सी मेरा जो पूरा टिंट किया हुआ है ना, मैंने ये मतलब विन व्हील रैप किया हुआ है साइड इंडिकेटर, इसके लिए आपको साइड लाइट दिख रहा नहीं है, बट एकदम हल्के से देखोगे तो दिखेगा। तो एज यू कैन सी ये एरिया में, तो यार एकदम इंडिकेटर्स भी बराबर काम कर रहे हैं और पीछे के इंडिकेटर्स भी काम कर रहे हैं। मैं पीछे के इंडिकेटर्स बता देता हूँ आपको। एज यू कैन सी ये थोड़ा खराब हो चुका है, इसके अंदर से आप देख सकते हो। तो यार मेरे पीछे के इंडिकेटर्स भी वर्क कर रहे हैं अच्छे से। ओके सो अभी इंटेंसिटी भी चेक कर सकते हैं, तो मैं इतना लंबा है और इतने लंबे से भी वर्क कर रहा है एकदम, यहाँ से भी वर्क कर रहा है, आपको आवाज़ आ रहा होगा थोड़ा सा। सो यार मैं आपको बताता हूँ मैं कितना दूर खड़ा हूँ, और ये दीवार वीवार भी है मेरे सामने। सो यार वहाँ तक मतलब वर्क कर रहा था वो। मेरा एक्टिवा है इधर,
और एकदम मैं मतलब उधर से एकदम कर रहा था अंदर से, और तभी भी चल रहा था। मतलब इसका रेंज अच्छा है, मेरे को मतलब रेंज के ऊपर तो अच्छा ही लगा कि रेंज मस्त है एकदम। ठीक है, सो अभी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है और आपने देखा मैंने पूरा मतलब बताया इंस्टॉलेशन के मतलब जो जो तरीके है, तो वही आपको मतलब पूरा स्टेप्स फॉलो करने का है। बस अगर आप मोटरसाइकिल में कर रहे हो, अगर आप स्कूटर में कर रहे हो या कोई भी बाइक्स में कर रहे हो, ये मतलब यूनिवर्सल है, ये सब में फिट होगा। और रिमोट स्टार्ट कंट्रोल जो है मतलब कीलेस एंट्री वो ऑप्शनल है, अगर आपको लगाना है तो लगा सकते हो। ब्लू वायर आपको लगाना है तो लगा सकते हो आप जो स्टार्टर यूनिट है उसमें। सो या आई विल बी एंडिंग अप माय वीडियो यार, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, होप यू गाइस सी इन माय नेक्स्ट वीडियो एंड डू वॉच यू लव। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको कुछ क्वेरीज हो तो नीचे कमेंट कर सकते हो। सो आई वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो, बाय।